हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन. दिस इज़ विनय पांडे. सीक्वेंसेस का नेक्स्ट वीडियो जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं सैंडविच थ्योरम. बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम मानी जाती है, या इसको स्क्वीज थ्योरम भी बोलते हैं. तो इसका स्टेटमेंट देखते हैं, फिर इसका प्रूफ देखते हैं. लास्ट वीडियो हमने कॉची थ्योरम के दोनों लिमिट्स की थ्योरम कर ली थी, उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल भी मैंने आपको करवा दिए थे. तो इनका स्टेटमेंट, सैंडविच थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद उसके प्रूफ में आते हैं. तीन सीक्वेंसेस यहाँ पर दिए हुए हैं, एक एस एन सीक्वेंस है, एक टी एन है और एक यू एन सीक्वेंस है. ये तीनों सीक्वेंसेस इस तरीके से हैं कि वो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं. पहली कंडीशन क्या है कि फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के, एस एन वाला जो सीक्वेंस है वो यू एन वाले सीक्वेंस से छोटा है, उसके बराबर है, और यू एन वाला सीक्वेंस टी एन वाले सीक्वेंस से छोटा है. यानी कि यू एन जो सीक्वेंस है वो एस एन और टी एन के बीच में लाया कर रहा है, जो यू एन सीक्वेंस है. तीन तरीके के सीक्वेंस है. एस एन की जो लिमिट है वो भी एल है, और टी एन की लिमिट है वो भी एल है. तो आपको ये प्रूफ करना है कि अगर एस एन और टी एन दोनों की लिमिट अगर एल है तो यू एन की लिमिट भी एल होगी. ये हमको प्रूफ करना है इस थ्योरम में. तो आते हैं इसके प्रूफ में. देखिए स्टूडेंट्स, इस थ्योरम का प्रूफ करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है किसी पर्टिकुलर पॉइंट की ओर, वो अगर कन्वर्ज हो रही है, तो उस केस में जो कंडीशन थी वो क्या थी. प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाकर के उन लिंक से आप देख सकते हैं. यहाँ पर दिया हुआ है, वी हैव लिमिट एस एन इज इक्वल टू एल, यानी कि एस एन जो सीक्वेंस रहा होगा वो एल की ओर कन्वर्ज हो रहा है. देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो सच दैट, ये काफ़ी डिटेल में पहले के वीडियोस में बता चुका हूँ, डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ. सच दैट जो एस एन माइनस जो इसकी लिमिट है एल, इसका जो मॉड है वो क्या आ रहा होगा, एप्सिलॉन से छोटा आ रहा होगा. फॉर ऑल, ये पहली कंडीशन होगी. मतलब कहने का मतलब ये है, जो एस एन वाला सीक्वेंस है इसमें एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होंगे. एन की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, एन की वैल्यू 4 रखेंगे. ऐसे करते करते एक जगह पे एम वन एक पॉइंट आएगा. इस पॉइंट के बाद जैसे ही हम एन की वैल्यू एम वन यहाँ पर रखेंगे एस एन वाले सीक्वेंस में, तो इसकी वैल्यू किसके अप्रोक्सीमेट आएगी, एल के अप्रोक्सीमेट. ये मतलब है इसका. या फिर इसको हम कह सकते हैं कि इसका अगर हम मॉड हटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस एप्सिलॉन लेस देन एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन. एल तीनों में एल ऐड करेंगे तो एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एस एन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन. तीनों में एल ऐड कर दिया. फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम वन, इक्वेशन वन इसको मान ले रहा हूँ मैं. कहने का मतलब यह है कि जो एस एन वाला सीक्वेंस है वो किसके बाद कन्वर्ज हो रहा है, एम वन के बाद. एम वन, एन की वैल्यू हम डिफरेंट रखेंगे तो एन की वैल्यू, जैसे एम वन के बाद की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो एस एन वाले सीक्वेंस की जो वैल्यू आ रही होगी वो लगभग एल के आसपास आ रही होगी. ये मतलब है इसका. अगेन लिमिट टी एन इज इक्वल टू एल है, ये भी एल दिया हुआ. देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो सच दैट टी एन माइनस एल, इसका मॉड भी क्या होगा, एप्सिलॉन से छोटा. कभी ना कभी किसी न किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ये कन्वर्ज होना स्टार्ट होगा. वो पॉइंट हमने मान लिया यहाँ पे एम टू. फिर इसी को इसी तरीके से अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एल माइनस एप्सिलॉन टी एन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन इक्वल टू एम एम टू, इक्वेशन नंबर टू. इसी तरीके से एन की हमने अलग अलग वैल्यू टी एन वाले सीक्वेंस में रखी है, और कहीं ना कहीं पर जाकर के हमको एक वैल्यू एम टू ऐसी मिल रही है जिसके बाद हम एन की कोई भी वैल्यू यहाँ रखेंगे टी एन वाले सीक्वेंस में, तो उसकी जो वैल्यू आ रही होगी वो एल के आसपास आ रही होगी, एल के अप्रोक्सीमेट आ रही होगी. तो ये दो कंडीशन हमको मिल गई है. अब इन दोनों कंडीशन पर ध्यान से आप फोकस करिए, इससे हमको तीसरा रिजल्ट भी मिल जाएगा. टेकिंग एम इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एम वन एम टू. अब आप देखिए ध्यान से, अगर सपोज एम टू एम वन से बड़ा है, ये वाला जो एस एन वाला सीक्वेंस था वो एम वन के बाद कन्वर्ज हो रहा है, और टी एन वाला सीक्वेंस एम टू के बाद. अगर ये सीक्वेंस एम वन से ही कन्वर्ज होना स्टार्ट हो गया तो एम टू से तो अपने आप ही कन्वर्ज होगा होगा. मतलब कहने का मतलब ये है कि इस एस एन वाले सीक्वेंस में अगर आप एम वन वैल्यू रखते हो या एम वन से बड़ी कोई भी वैल्यू रखते हो, तो एस एन की वैल्यू जो है एल के अप्रोक्सीमेट, एल के आसपास आएगी. तो अगर हम एम टू से बड़ी कोई वैल्यू यहाँ रखेंगे तो तब भी ये एल के आसपास ही आएगी, क्योंकि ये तो पहले से ही कन्वर्ज होना स्टार्ट हो गया. तो हमने क्या किया, इन दोनों से बड़ी जो दोनों में बड़ी वैल्यू होगी उस वैल्यू को एम मान लिया. देन वी हैव, उस केस में
एस एन वाला सीक्वेंस भी कन्वर्ज होगा और टी एन वाला भी, इसी पे आपको ध्यान से समझना है, यही मेन स्टेप है इसमें, क्योंकि एस एन वाला सीक्वेंस एम वन के बाद कन्वर्ज होना स्टार्ट हुआ और टी एन वाला सीक्वेंस एम टू के बाद, अगर एम टू एम वन से बड़ा है तो हमने देखा कि अगर ये सीक्वेंस एस एन वाला एम वन से कन्वर्ज होना स्टार्ट हुआ है तो एम टू के बाद भी ये कन्वर्जेंट ही रहेगा। तो इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू है उसको एम ले लिया, अगर एम हमने लिया है तो इस केस में एस एन भी कन्वर्जेंट होगा और टी एन भी कन्वर्जेंट होगा अगर हम एम के बाद कोई भी बड़ी वैल्यू उसमें रखते हैं। ये इसको आपको ध्यान से समझना है, थोड़ा रिपीट करके इस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। देन वी हैव इस केस में एल माइनस एप्सिलॉन एस एन वाला सीक्वेंस, ये जो एस एन वाला सीक्वेंस है ये भी इस कंडीशन को फॉलो करेगा, एल एल प्लस एप्सिलॉन एंड एल माइनस एप्सिलॉन टी एन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल, अब क्या आ जाएगा एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, और एम क्या है, इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू है वो है, वो क्या है, एम है। तो यानी कि एम से बड़ी कोई भी वैल्यू अगर हम रखेंगे तो उस केस में टी एन भी कन्वर्जेंट होगा और एस एन भी कन्वर्जेंट होगा, और दोनों किस पॉइंट की ओर कन्वर्जेंट होंगे, एल की ओर, बस ये आपको ध्यान से देखना है यहाँ पे। अगर ये कंडीशन आपको समझ में आ गई तो आपको रिजल्ट बड़े ईजिली अब समझ में आ जाएगा। अब आप देखिए जो एस एन टी एन और यू एन वाला सीक्वेंस है उस पर हम फोकस करते हैं, इस वाले लाइन का यूज़ नहीं किया था हमने, इन दोनों को कंबाइंड करेंगे तो एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एस एन, एस एन वाला सीक्वेंस यू एन से छोटा है, यू एन वाला सीक्वेंस टी एन से छोटा है, और टी एन क्या है, एल प्लस एप्सिलॉन से छोटा है, जब हम कौन सी कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। इन दोनों को आप हटा देते हैं तो एल माइनस एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, लेस देन यू एन, और एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, इसको अगर हम कंबाइंड करें तो क्या होगा, एप्सिलॉन ये वाला जो एप्सिलॉन आ रहा है इसमें तीनों में अगर हम माइनस एल कर दें तो ये माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा यू एन माइनस एल और यहाँ आ जाएगा एप्सिलॉन फॉर ऑल, और इसको मॉड के टर्म्स में हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा यू एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब ये है कि एम के बाद कोई भी वैल्यू अगर हम रख रहे हैं तो उस केस में यू एन वाला जो सीक्वेंस है वो भी कन्वर्जेंट हो जा रहा है, क्योंकि कन्वर्जेंट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, कि वो सीक्वेंस माइनस उसकी जो लिमिट है वो एप्सिलॉन से छोटी आनी चाहिए, यानी कि वो यू एन वाला सीक्वेंस किसके बाद कन्वर्ज होना स्टार्ट हुआ है, एम के बाद। देयरफॉर लिमिट ऑफ यू एन अगर हम निकालेंगे, क्योंकि ये एल की ओर कन्वर्ज हो रहा है तो इसके लिमिट अगर इन्फिनिटी पर निकालेंगे तो लिमिट कितनी आ जाएगी, एल, और यही हमको सैंडविच थ्योरम में प्रूफ भी करना था, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से थ्योरम को देखें, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं।